गाइस अभी जो है हम लोग यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल यानी कि सीसीएनए का जो एक बैच नया स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए जो है ये पूरा वर्कशॉप जो है वो रखा गया है। तो अगर आप लोग में से कोई भी सीसीएनए में ज्वाइन करना चाहता है जो कि नेटवर्किंग बैच है, तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप इस पूरे वर्कशॉप में बने रहें ताकि जो है आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस वगैरह जो है वो कंप्लीट करा दिया जाए। सो बेसिकली यहाँ पर जो सबसे पहले तो जिस इंडस्ट्री के लिए हम आगे काम करना चाह रहे हैं आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिसेशन का, राइट? बहुत लोग अभी रिसेशन 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 कर रहे थे एंड बहुत सारी यूट्यूब के वीडियोस में भी बहुत लोग जो हैं ये बोल रहे थे कि भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने जो है अपना जो इम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो कम कर दिया है। बट अभी जो है गुड न्यूज ये हो गई है कि अब जो है रिसेशन का एंड हो गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि अभी कंपनीज ने जो है हायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। अगर हम अपनी बात ना करें क्योंकि बातों में क्या रखा है, हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो यू कैन सी अगर हम यहाँ पे लिखें मार्केट साइज ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो यू कैन सी अभी जो है 139 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर का जो है प्राइस है चल रहा है 2022 के हिसाब से। बट एनुअल जो ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है सीएजीआर की तरफ अगर बात करें तो उनकी तरफ से तो यहाँ पे करीब 19% राउंड फिगर की बात करें, करीब 19% से ये आईटी इंडस्ट्री हर महीने जो है हर ईयर जो है वो ग्रो कर रही है। जो कि अभी 2027 की बात करें तो 350 मान लो 330 यूएस बिलियन डॉलर में जो है ये इंडस्ट्री पहुंचने वाली है। अब डेफिनेटली अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर के अंदर तो ऐसे में जो है यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि नॉलेज होना। मैं हमेशा बोलता हूँ यूट्यूब से, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ये देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें उसका कि किस तरीके से आपको नॉलेज गेन करना है तो यूट्यूब इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म, राइट? उसके लिए क्यों ऐसा है? बिकॉज आपको जो है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो है वो यूट्यूब के ऊपर में नहीं मिलती है, राइट? हाँ जी धीरू जी, क्या हो गया? लाइनें ज्यादा ड्रॉ करनी आ रही हैं? हाँ चलो इसका भी इलाज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले चलो थैंक यू, अगर गलती से हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाई चांस खुद की है तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे तो यहाँ पे यू कैन सी एक्सपर्ट बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रो कर रहा है, ये डेफिनेटली जो है थैंक यू देयर नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो है यहाँ पर आपका जो है आईटी इंडस्ट्री की बात करी जा रही है, एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि अब आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं, और आईटी इंडस्ट्री ऐसे तो ग्रो करे नहीं, डेफिनेटली नेटवर्किंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज आज छोटे से छोटा बिजनेस बड़े से बड़ा बिजनेस जो है वो कहां से किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट जो है चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, दोनों ही कंडीशंस में एक आईटी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी डोमेन में चले जाओ, चाहे आप सिक्योरिटी साइड में चले जाओ, चाहे आप सर्वर साइड पे चले जाओ, क्लाउड साइड पे चले जाओ, हर साइड में आपको जो है नेटवर्किंग का नॉलेज होना मैंडेटरी है। सो बेसिकली अभी हम जो है पूरा कवर अप करते हैं कि क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको ये 28 मई से जो है ये स्टार्ट होने वाला है, जिसका टाइमिंग रहेगा रात को 8:30 बजे से, राइट? ट्रेनर जो है वो मैं ही रहूंगा और नेटवर्किंग के अंदर ही ये आपका पूरा कैटेगराइज है। अभी इसका जो प्राइसिंग आपको दिख रहा है 4999 के अंदर ये बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सो बेसिकली इसमें क्या क्या आप कवर अप रहेगा उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो मेजरली ये कुछ इसके मेजर टॉपिक्स हैं, नेटवर्क फंडामेंटल्स, राउटिंग एंड स्विचिंग एसेंशियल्स, स्केलिंग यहाँ पे स्केलिंग नेटवर्क्स, देन कनेक्टिंग नेटवर्क्स, देन दी सिक्योरिटी फंडामेंटल एंड फाइनली दी नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। सो बेसिकली अगर इस पूरे कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करी जाए तो यू कैन सी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 47+ आवर्स का जो है कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 66 जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये जो पूरा कोर्स है वो बिगनर्स के लिए है, यानी कि अगर आपके पास में पहले से अच्छा नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपने कहीं से भी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं करी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद में सर्टिफिकेशन जो है वो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप जो है कंपीट कर पाएंगे। अदरवाइज कंपटीशन जो है वो हर फील्ड के अंदर बढ़ते चला जा रहा है। अब यहां पर जो है यू कैन सी, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अगर बात करी जाए तो आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी प्री रिक्विजिशन में। आपको जो सीसीएनए लेवल को क्लियर करने के लिए कोई भी आपका प्री रिक्विजिट नहीं है, आप अगर 12th पास हैं तो उसके बाद जो है आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड से, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है या कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, तो आप जो है नेटवर्किंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिस के लिए i3 प्रोसेसर होगा और 12 GB रैम होगा तो भी चल जाएगा, यहाँ पे 16 GB रखा हुआ है लेकिन आपका 12 GB रैम होगा तो भी चलता है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल जो कि ऑफिशियल सीसीएनए 200301 जो कि ऑफिशियल सिलेबस है सिस्को का, उसके हिसाब से अगर आप देखें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यू कैन सी टॉपिक बाय टॉपिक जो है यहाँ पे हर चीज डिटेल में आपको बताई गई है। पहले रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट्स के जो है उनके क्या रोल्स वगैरह होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर जो उसके होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन दी कंपेयर दी फिजिकल इंटरफेस एंड दी केबलिंग टाइप, आपके फिजिकल इंटरफेस टाइप क्या होंगे, केबलिंग टाइप क्या क्या होते हैं इसके अंदर में। देन आइडेंटिफाई दी इंटरफेस रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो कोलिजन के हो, एरर्स मिसमैच हो, या डुप्लेक्स से रिलेटेड हो, स्पीड से रिलेटेड हो, राइट। टीसीपी और यूडीपी मॉडल्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा जो है क्या काम करता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है नेटवर्क के अंदर, ये सारा जो है डेटा ट्रांसमिशन के दौरान जो है हम कवरअप करने वाले हैं। IPv4 एड्रेसिंग एंड उसका जो भी सबनेटिंग होता है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे पूरा डिटेल में कवरअप रहेगा। IPv4 के अंदर प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में पूरा देखेंगे, पब्लिक नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे, IPv6 टेक्नोलॉजी के बारे में हम कवरअप करेंगे, राइट। पूरा IPv6 एड्रेसेस पे भी पूरा कंप्लीट रहेगा। देन आपके जो क्लाइंट है उनके ऊपर में किस तरीके से अपने आईपी एड्रेसेस को कॉन्फिगर किया जाता है, फिर उसको किस तरह से वेरीफाई वगैरह किया जाता है, वायरलेस के प्रिंसिपल्स वगैरह क्या होते हैं, राइट, वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। देन ये आपका जो है यहाँ पे स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये आपका जो है फंडामेंटल्स के अंदर में आता है। नेटवर्क एक्सेस की बात करें तो नेटवर्क एक्सेस के अंदर जो है वो बेसिकली आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पे कवरअप किया गया, चाहे वो वीलैंस की बात की जाए या इंटर वीलैन की बात करी जाए या फिर राउटर ऑन अ स्टिक जिसको कहते हैं। लेयर टू डिस्कवरी प्रोटोकॉल एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, LLDP या फिर आपका CDP प्रोटोकॉल, दोनों ही आपके जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल्स हैं, जिससे बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेट्स से आपके पास में ये एक स्विच है और दूसरा स्विच आपके पास में, दो स्विच है आपके पास में, मैं आपको पेंट में बना के दिखाता हूँ, लेट मी ओपन दी पेंट। लेट्स से आपके पास में जो है दो स्विचेस हैं, एक स्विच आपका ये है और एक स्विच ये है, अब दोनों के बीच में जो है बहुत सारी केबल्स जो है आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, दोनों जगह से कौन सी केबल किधर से ऐसे बीच में से उलझ के आ रखी है। लेट्स से मैं थोड़ा सा और इसमें ऐसा कर देता हूँ, लेट्स से अब ये पूरा करने के बाद अगर आपको मान लो कि ये वाला जो आपका पोर्ट है, ये जो केबल है वो इस वाले स्विच में कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है विदाउट ट्रेसिंग, फिजिकल ट्रेसिंग की जरूरत नहीं है, तो भी आपको जो है यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं हम, ये आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। देन आपके पास में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म सिस्टम भी कहते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे कॉन्फिगर एंड वेरीफाई दी लेयर टू एंड लेयर थ्री, जिसमें आपके इधर चैनल चाहे वो लेयर टू पे आपका कॉन्फिगरेशन करना हो या लेयर थ्री पे करना हो, जिसमें हम LACP एंड PAGP, राइट। यहाँ पे तो सिलेबस में तो LACP दिया हुआ है बट आपको मैं PAGP भी करवाऊंगा, बिकॉज अगर आपके पास में सिर्फ सिस्को के डिवाइसेज हैं तो आपको PAGP का भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कंपेयर दी आर्किटेक्चर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स एंड उनके मोड्स वगैरह के बारे में पूरा रहेगा। देन वायरलेस जो भी आपके एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं उनको WLC है
यानी कि वायरलेस लैंड कंट्रोलर है, उसका किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, किस तरीके से SSIDs वगैरह कॉन्फ़िगर करी जाती हैं, और कितने तरीके से हम उसके अंदर ऑथेंटिकेशन मेथड्स वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में AP हो या WLC हो, उसके अंदर SSH हो गया, HTTP HTTPS, टेलनेट है, कंसोल है, टकास है, रेडियस है, इनके साथ में कैसे इंटीग्रेट्स वगैरह कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन आपके पास में IP कनेक्टिविटी आ जाता है, जो कि आपका ले आपका जो है ISP नेटवर्क या फिर बड़ी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके यहाँ पे कवर अप रहेंगे। चाहे वो आपके जो है राउटिंग टेबल्स की बात हो, यहाँ पे हम पूरा अच्छे से इसको जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। अब फिर देखेंगे हम यहाँ पे राउटर किस तरीके से जो है डिसीजन लेते हैं डेटा को फॉरवर्ड करने की, राइट। वो कैसे डिसीजंस होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके, जिसको हम मेट्रिक का नाम देते हैं, वो क्या होता है, किस तरीके से ये काम किया जाता है। IPv4 है या IPv6 है या स्टैटिक राउटिंग है, राइट। दोनों के अंदर ये किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर आपका OSPF V2 जो है और V3, V2 जो है वो आपका IPv4 के अंदर आता है, हालांकि इसके अंदर V3 नहीं दिया गया है, बट मैं आपको जो है यहाँ पे V3 भी करवाऊंगा IPv6 के अंदर में, राइट। ये भी हमारा यहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद में आपका जो है फर्स्ट होप रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल, यानी कि आपको जो है रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल किस तरीके से जो है वो आपको हेल्प करता है, किस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या पर्पस होता है, ये हम IP कनेक्टिविटी के अंदर कवर अप करने वाले हैं। देन इसके बाद जो है आप IP सर्विसेज के अंदर अगेन आप जो है काफी बड़े लेवल पे चीजों को डिस्कस करेंगे, लाइक नेट क्या होता है, क्योंकि नेट के बिना तो आपका प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क जो है वो आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं कभी भी हम ब्रॉडकास्टिंग उनका या उनको जो है कभी भी एडवर्टाइजमेंट जो है हम नहीं करते हैं। फिर आपका NTP का जो प्रोटोकॉल है, राइट, उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, कैसे उसको वेरीफाई करना है क्लाइंट और सर्वर मोड के अंदर, उसको वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। DHCP एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत अच्छे से हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझेंगे। DNS जो है वो किस तरीके से आपका जो है डेटा को यूज करता है, किस तरीके से रिक्वेस्ट जो है ओवर दी नेटवर्क ट्रांसमिट की जाती है, और किस तरीके से ये DNS जो है वो आपके इंटरनेट को पूरा चलाता है, ये हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन देयर इज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SNMP, जो कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, जो कि मॉनिटरिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो ये आपके नेटवर्क ऑपरेशंस में कैसे हेल्प कर सकता है, आपके नेटवर्क डे टू डे ऑपरेशंस में जो है मॉनिटरिंग में कैसे हेल्प करेगा, वो पूरा हम यहाँ पे डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सिसलॉग सर्वर्स जो है ये जनरली 24x7 कोई भी सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकता, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सिसलॉग सर्वर जो है वो दिया गया है। सिसलॉग सर्वर से क्या होता है कि आप कंटिन्यू आप कहीं पर भी चले जाओ लेकिन आपके नेटवर्क के अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, हर चीज वो आपकी सिस्टम आपका, चाहे वो नेटवर्किंग डिवाइस Layer 2 है या Layer 3 है या राउटर है, फायरवॉल है या कुछ भी है, वो हर चीज का रिकॉर्ड जो है वो आपका जो भी सर्वर सेट होगा उसके ऊपर में रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता रहता है। और लेटर ऑन अगर हम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी क्या होता है कि ऑडिट की जाती है आपके नेटवर्क में, आपने कितना, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो अप्रेजल सिस्टम है वो बेसिकली आपको बताना पड़ता है कि आपका नेटवर्क के अंदर आपने कितनी अच्छे से उसको यूज करके रखा है, इंप्लीमेंट करके रखा है, तो उसके लिए कुछ आपके ऑडिटर्स आते हैं। तो ऑडिटर्स क्या करते हैं, इस तरीके के जो सर्वर्स होते हैं सिसलॉग सर्वर्स हैं, वहां पे जनरेट हुए लॉग्स को रीड करते हैं और उसके बाद जो है आपका अप्रेजल वगैरह जो है वो डिफाइन करते हैं, और कई बार सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो इसी के बेसिस के ऊपर में डिफाइन किए जाते हैं। अगेन DHCP के बारे में, रिले एजेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो DHCP के अंदर काफी सारा कॉन्सेप्ट है एज आई सेड, राइट। उसके अंदर जो है रिले भी एक ऑप्शन होता है, उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। देन उसके बाद में जो है यहाँ पे आप देखते हैं QSH, आपके जो क्लासिफिकेशन होते हैं या फॉरवर्डिंग पर होप बिहेवियर जो होता है वो आप यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। देन TFTP हो गया, FTP हो गया, राइट, ये किस तरीके से हमारे नेटवर्क के फंक्शंस में काम करते हैं, इनके क्या कैपेबिलिटीज हैं, इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। देन उसके बाद में SSH की बात करेंगे, बिकॉज आपका FTP जो है सॉरी आपका टेलनेट जो है वो आपका सिक्योर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से SSH जो है वो आपके डिवाइसेस के अंदर काम करता है और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं।
देन सिक्योरिटी फंडामेंटल, सिक्योरिटी फंडामेंटल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की डेट में अगर आप न्यूज पे देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे कितने अटैक्स जो हैं वो हैकर कर रहे हैं आज की डेट में नेटवर्क्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी ज्यादा कंपनीज के अंदर जो हैकर्स हैं वो अटैक करते रहते हैं। आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम करते हो तो डेफिनेटली इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप अपने नेटवर्क को सिक्योर करके रखें, आपके जो डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर करके रखें, राइट। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स से वीलैन है, हमें लगता है यार वीलैन इंप्लीमेंट करना तो कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, लेकिन बिलीव मी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, एक अगर हैकर ने आपके नेटवर्क के अंदर आपने अगर सिक्योरिटी पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट नहीं करा, आपका वीलैन का डिजाइन किया गया नेटवर्क फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, राइट, इस पूरे कोर्स के दौरान। तो बेसिकली ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एक्सप्लॉइट वगैरह करने के, राइट, वल्नरेबिलिटीज को जो है आपके किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे पूरा मेंटेन करने वाले हैं अंडर दी सिक्योरिटी फंडामेंटल। फिर आपका आ जाता है फाइनली ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी यानी कि अभी जो है स्लोली ग्रेजुअली, हालांकि इंडिया थोड़ा काफी पीछे चल रहा है अभी इस काम में, लेकिन ऑटोमेशन 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 AI 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 काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कि आज अगर सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अगर नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप को जो है हमेशा अपग्रेड करते रहो, कोर्स आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपने नेटवर्किंग का कोई भी कोर्स कर लिया नो मैटर कब किया है, हाँ अगर बीच में आप काफी समय के लिए उसको पर्टिकुलर फील्ड से आप दूर रहे हो, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, देन इन दैट केस दोबारा ज्वाइन करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इंडस्ट्री के अंदर बने हुए हो, डेली बेसिस पे आप जो है डे टू डे ऑपरेशन वगैरह काम देख रहे हो, नेटवर्क्स में काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नए प्रोटोकॉल जो लॉन्च किए जा रहे हैं, नए जो आपके जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है, आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको दोबारा कोई कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर में आप आगे बढ़ते चले जाते हो। ये एक ऐसा कोर्स है सीसीएन ने जो आपको किसी भी डोमेन में जाना हो नेटवर्किंग आईटी इंडस्ट्री में, चाहे वो आपको सर्वर साइड जाना तो भी नेटवर्किंग का नॉलेज मैंडेटरी है, आपको क्लाउड साइड पे जाना है तो भी मैंडेटरी है, सिक्योरिटी साइड यानी कि फायरवॉल वगैरह उनका इंप्लीमेंटेशन, या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करो, एथिकल हैकिंग की बात करो, इस डायरेक्शन में जाना है तो भी आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना मस्ट है। तो बेसिकली ये कोर्स जो है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं एक ऐसा एंट्री पॉइंट है, एक जहां से आपको होकर गुजरना ही पड़ेगा। आज अगर आप इसको बाईपास करके निकल जाएंगे कल को आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर दूसरों को भी यही राय देंगे कि आईटी इंडस्ट्री में बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं है, राइट, क्योंकि आपने खुद पहले अपने आप को नॉलेज को एनहेंस करो उसके बाद जो है आप आगे बढ़ पाओ। ये पूरा डिटेल में यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है हर डिटेल यहाँ पे लिखी गई है जिसको आप जो है एनरोल कर सकते हैं, और ये बैच जो है वो 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अब ये जो पूरा कोर्स है वो किस तरीके से कवरअप किया जाएगा उसको भी मैं बता देता हूँ, बिकॉज हमने इसको एक नाम दिया है विच इज कॉल्ड दी हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड कहने का मतलब है बिकॉज आज की तक हमने जो है बहुत सारे जो कोर्सेज हमने लाइव में भी लिए हैं मैंने, और हमने प्री रिकॉर्डेड जो सेशंस होते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिए हैं, बेचे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, दोनों के अंदर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल निकाला है। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि जिस दिन से बैच आपका स्टार्ट होगा ये कोई वीडियो कोर्स नहीं है, जिस दिन से आपका ये बैच स्टार्ट होगा डेली बेसिस पे हम आपको एक जो आपका टाइमिंग है 8:30 का, राइट, 8:30 PM का मंडे टू सैटरडे, राइट, आपको जो है यहां पर डेली एक वीडियो को जो है रिलीज करके दिया जाएगा। अब वो आपकी प्री रिकॉर्डेड जो है वीडियो रहेगी जो कि प्रीवियस सेशन जो हमारे हुए हैं लाइव क्लासेस हुई हैं उसी के वीडियोस रहेंगे आपके लिए, जिसको आपने वन बाय वन कंप्लीट करना है। अब होता क्या है कि आपको अगर पूरा एक साथ दे दिया जाए तो व्हाट विल हैपन, आप जो है
स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है एक तो ये काम किया कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिले, प्लस इसके साथ में आपको जो है लाइव सेशन मिलेंगे। लाइव सेशन ये रिकॉर्डिंग पहले देने का मकसद यही है कि आपको अगर लाइव क्लास के अंदर ना पहले स्टार्टिंग में एक दो दिन या मैक्सिमम 4-5 दिन तो बड़े जोश के साथ में सब लोग बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है एडवांस पे पहुंचता है वहां पे क्या होता है, फिर जो सामने ट्रेनर है चाहे मैं हूं या कोई दूसरा है तो वो क्या बोलते हैं यार सवाल पूछो, कैसे सवाल पूछोगे, कोई आपके पास आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी उस चीज की। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक इस तरह का मॉडल निकाला जहां पे आपको पहले 1 बाय 1 करके पूरा वीडियो दिए जाएंगे ताकि जो है आप उनको गो थ्रू करो पूरा, और करने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको चीज नहीं समझ में आए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर ले, तो फिर आपको मिलेगी एक लाइव क्लास। लाइव क्लास के अंदर जो है आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपको जो है ये वैसे तो इतना ज्यादा हमने अच्छे से इसका जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड करने हैं तो वहीं पे आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आपको हर वीक जो है लाइव सेशन भी मिलने वाले हैं, राइट, जिसके साथ में आप कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी आप आसानी से उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके का इसका पूरा मोड रहेगा। तो बेसिकली ये आपका 47 आवर्स प्लस का आपका जो है कंटेंट इसके अंदर मिलेगा, जिसमें 66+ आपको लेसन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे इसका जो एनरोलमेंट का जो प्राइस है वो है 4999 प्लस 18% GST। ये रेगुलर प्राइस है हमारा, राइट, ये आपको हमारे जो अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, राइट। अगर आपको वीडियो कोर्स भी देखे तो वीडियो कोर्स में भी आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 2499 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको कोई भी डाउट सेशन नहीं मिलेंगे, कोई भी लाइव सेशंस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये हाइब्रिड मॉडल में जाते हो तो आपको वीडियो भी मिल रही है प्लस लाइव क्लासेस भी जो है वो आपको यहाँ पे आपके डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पास में ये 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा, डेली का 1 घंटा रहेगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। So, सारी डिटेल आपने अभी देखी ली है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको जो है यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर देने जा रहा हूं। आज है 28 मई 2024 और आज अगर आप 7 बजे से पहले पहले एनरोल करते हैं तो आपको बहुत ही स्पेशल प्राइस दिया जा रहा है। वैसे रेगुलर प्राइस बात करें तो इसका है 4999 प्लस GST, लेकिन स्पेशल प्राइस आपको जो है 7 बजे से पहले पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको दिया जा रहा है 999 प्लस GST के अंदर। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करें और आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां से जल्दी से जो है आप अपना एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है पेमेंट वगैरह कंप्लीट करें, और जैसे कंप्लीट करेंगे हमारी टीम जो है वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है।